नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और मेरा नाम है संजय राणा। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन। ये एम्ब्रियोलॉजी का थर्ड टॉपिक है जिसमें हमने अब तक फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज पढ़ चुके हैं। अगर आपने फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज अब तक नहीं पढ़ा है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको कम्प्लीट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुला में होता है। जब हमने क्लीवेज पढ़ा था उसमें हमने देखा था किस टाइप से डिवीजन हुआ था जाइगोट का। जाइगोट में सबसे पहले 2 सेल बनी थी, 4 सेल, उसके बाद 8 सेल, और फिर एक स्टेज ऐसी थी जिसमें हमें मोरूला मिला था। मोरूला स्टेज के बाद ब्लास्टुला स्टेज आई थी जिसमें टोटल जो ब्लास्टोमियर थे वो पेरीफेरी पर अरेंज हो गए थे। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं जिसमें पेरीफेरी पर क्या है, ब्लास्टोडर्म अरेंज है, और एक बीच में है ब्लास्टोसील कैविटी, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। यहाँ तक क्लीवेज कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ से जो स्टेज आगे आती है उसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं, इनवेजिनेशन होता है, फोल्डिंग होती है, जिससे 3 germ layer cell की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है। तब हम इस स्टेज को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं। जो ब्लास्टोसील होती है वो रिड्यूस हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, और वो अर्चेंट्रोन में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो हम देखेंगे ये सारी प्रोसेस किस टाइप से होती है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला कैसे बनेगा। तो इंट्रोडक्शन इसमें हम देखेंगे, गैस्ट्रुलेशन एक ऐसी एम्ब्रियोनिक प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टुला की ऑर्गन फॉर्मिंग एरिया का डिस्प्लेसमेंट तथा रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। ब्लास्टुला के ऑर्गन फॉर्मिंग एरिया का होता है डिस्प्लेसमेंट होता है इन्वेजिनेशन और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के द्वारा रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। द्वारा से जो सेल्स होती हैं सेनेटेट हो जाती हैं और वो जन्म लेयर सेल के कहते हैं निर्माण करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। आगे देखते हैं, इनमें सिंगल लेयर ब्लास्टुला मोनोलेयर में कहलाता है, फिर जो सिंगल होता है वो बाई लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल में है एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस होते हैं वो क्या होते हैं, बाई लेयर्ड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डाइडर्मिक भी कहते हैं। जबकि मोस्टली केसेज में 3 लेयर्ड हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, जब 3 लेयर बन जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइडर्मिक कहते हैं। जब डाइडर्मिक बनता है तो उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, और जब ट्राइडर्मिक एम्ब्रियो या ब्लास्टुला बन जाता है तो उसे गैस्ट्रुला कहते हैं, और इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइडर्मिक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ट्रिपोब्लास्ट भी कहते हैं। यही एम्ब्रियोनिक गैस्ट्रुला कहलाता है। जब ब्लास्टुला में कंप्लीट 3 germ layer cell की फॉर्मेशन हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं। आगे देखते हैं, ब्लास्टुला की सिंगल लेयर ब्लास्टोडर्म, एक्टोब्लास्ट या प्रोटोडर्म कहलाती है। जब जो ब्लास्टुला है तो उसकी जो सिंगल लेयर है उसे क्या कहेंगे हम, ब्लास्टोडर्म या एक्टोब्लास्ट या प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म मींस क्या होता है, प्रीवियस डर्म, यानी कि स्किनियर लेयर कहलाती है। आगे देखते हैं, जिससे गैस्ट्रुला आउटर एक्टोडर्म, जिससे जो गैस्ट्रुला बनेगा जो आउटर आगे जो सबसे बाहरी वाली परत होगी, जो लेयर होगी उसे क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। जो मिडिल में होगी उसे क्या कहेंगे, मेसोडर्म। तथा जो इनर होगी, जो इनर साइड पर होगी, क्या कहेंगे उसे, एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है, जिन्हें कंबाइंडली जर्म लेयर कहते हैं। जब ब्लास्टुला में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, इनवेजिनेशन, फोल्डिंग होती है, उससे क्या होता है, ब्लास्टोडर्म का रीअरेंजमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे 3 लेयर की फॉर्मेशन होती है, जिसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। और जो ब्लास्टोसील है वो अर्चेंट्रोन में कन्वर्ट हो जाती है। तब ये स्टेज
गैस्ट्रुला कहलाती है, और ये सारी प्रोसेस क्या होती है, गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन स्पेसियस ब्लास्टोसील, स्पेसियस जो स्पेस है ब्लास्टोसील है, रिड्यूस या स्मॉलर अर्चिंट्रॉन अर्चिंट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है, इसे गैस्ट्रुलेशन भी कहते हैं। जो ब्लास्टोसील है वो फोल्डिंग और इन्वेजिनेशन से क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, और वो क्या करती है, अर्चिंट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। जिसको जिसका जो ओपनिंग पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर कहते हैं। जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है तो कुछ मेजर इवेंट देखने को मिलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे मेजर इवेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन। जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसमें कुछ मेजर इवेंट दिखाई देते हैं, तो देखते हैं मेजर इवेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में निम्नलिखित इवेंट इम्पोर्टेंट होते हैं, इनमें नंबर एक है, इसमें स्पेशली सेलुलर मूवमेंट या मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के द्वारा ब्लास्टोमर्स का रीअरेंजमेंट होता है। जब ब्लास्टुला में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट या सेलुलर मूवमेंट होता है तो इसके ब्लास्टोमर्स अपनी फर्स्ट पोजीशन को चेंज कर सेकंड पोजीशन पर क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, रीअरेंजमेंट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेलुलर मूवमेंट कहते हैं। अब सेकंड देखते हैं, इस टाइम क्लीवेज वेरी स्लो या इनहिबिट होता है। जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस चल रही होती है तो टाइम क्लीवेज या वेरी स्लो हो रहा होगा या इनहिबिट हो जाता है। अब हमारा है थर्ड, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चेंज हो जाती है तथा रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में होल्डिंग और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है, एनर्जी की नीड होती है, इसीलिए फूड का भी ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और हमारा है फोर्थ, न्यूक्लियाई मोर एक्टिव होकर एम्ब्रियोनिक सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। जो न्यूक्लियस होते हैं वो एम्ब्रियोनिक सेल्स यानी कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, इनफोल्डिंग, इन्वेजिनेशन होता है, तो उनकी सेल्स जो ब्लास्टोडर्म्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनकी एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस को ड्राइवर ऑफ सेल भी कहते हैं। नंबर फाइव, इस प्रोसेस के दौरान डिफरेंट टाइप के न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, आरएनए बनेगा जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड बनते हैं। अब हम अगला नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, अब हमारा हेडिंग है गैस्ट्रुलर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, इसमें हम देखेंगे किस टाइप से जो सेल्स हैं मूवमेंट करती हैं और कितने टाइप से मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है ब्लास्टुला में, जब गैस्ट्रुला बनता है तब। देखते हैं ये ब्लास्टोमर द्वारा कॉज होने वाली ऐसी सेलुलर मूवमेंट है जो अपनी प्रिमिटिव पोजीशन को चेंज कर देती है। जब ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोमर्स होते हैं उनमें जो मूवमेंट कॉज होती है वो अपनी पोजीशन, जो प्रिमिटिव पोजीशन होती है, फर्स्ट पोजीशन होती है, उसे क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेलुलर मूवमेंट या मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो आगे देखते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जनरली टू टाइप की होती है। तो इसके जब जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस चल रही होती है तो उसमें जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है वो कितने होते हैं, टू टाइप की होती है। नंबर एक है इपीबोली, नंबर सेकंड एम्बोली। तो हम सबसे पहले देखेंगे इपीबोली क्या होती है, किस टाइप से मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है, किस टाइप से सेल्स अरेंज होती हैं। इपीबोली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, बर्ड इपीबोली, ग्रीक बर्ड इपीबोलस से मिलकर बना है। जो इपीबोली वर्ड है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, वो इपीबोलस से मिलकर बना है जिसका मीनिंग होता है थ्रोइंग ऑन या एक्सटेंडिंग अपॉन, जिसका हिंदी में मीन्स होता है फेंकना या विस्तृत करना।
आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रांट 1978 ग्रांट के अनुसार, ये साइंटिस्ट हैं इनके अनुसार देखेंगे कि हम इपिबोली मोर्फोजेनेटिक मोमेंट में सेल कैसे एक्सपेंड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्टोडर्मल सेल्स यानी कि ब्लास्टोमर्स या एक्टोडर्म्स, ठीक है, एक्टोडर्मल सेल्स या इपिथेलियल शीथ में एक सबस्ट्रेटम की तरफ एक्सपेंड होने की ग्रेट टेंडेंसी होती है। जो ब्लास्टुला पर जो सेल लगी होती है जिन्हें क्या कहते हैं, एक्टोडर्म सेल्स कहते हैं, उनमें क्या होती है, एक्सपेंड होने की ग्रेट टेंडेंसी होती है, जो अपने सेंट्रल एक्सिस के दोनों तरफ क्या होती हैं, रोटेट होने लगती हैं, एक्सपेंड होने लगती हैं। आगे देखते हैं। अतः ये एक्टोडर्मल सेल्स सेंट्रल एक्सिस के, आप देख सकते हैं सेंट्रल एक्सिस के दोनों यानी कि बोथ साइड रोटेट होकर दोनों साइड क्या होती है, रोटेट होकर एंडोडर्मल को एज ए, जो अंदर वाली क्या है एंडोडर्म है, एज ए इनवॉल्व कवर कर लेती हैं, यानी कि एक्सपेंड होकर दोनों साइड से, बोथ साइड से रोटेट होकर जो एंडोडर्मल सेल है इसकी अंदर वाली उसे लेती हैं, इनवॉल्व कवर कर लेती हैं। आगे देखते हैं। तथा एक मिन्यूट ओपनिंग ब्लास्टोपोर, एक मिन्यूट ओपनिंग ब्लास्टोपोर फॉर्म हो जाती है जिसमें से सभी एंडोडर्मल सेल क्लियरली देखी जा सकती हैं। फर्स्ट पोजीशन में हमने देखा कि जो सेल्स हैं वो एक्सपेंड होकर सेंट्रल एक्सिस की सेल्स को क्या कर रही है, इनवॉल्व कवर कर रही हैं। आप सेकंड कंडीशन में देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीटली कवर कर चुकी हैं और जो एंडोडर्म सेल्स हैं वो भी दिखाई देने लगी और जो कैविटी थी वो क्या है, डेंस होने लगी और रिड्यूस होकर स्मॉल हो गए और वो अर्जेंट्रॉन में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब थर्ड कंडीशन में गैस्ट्रुला क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म की क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है और अर्जेंट्रॉन की एक क्या बनती है, ब्लास्टोपोर ओपनिंग बनती है, इसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब हम सेकेंड देखते हैं, इम्बोली, हमारा सेकेंड हेडिंग है इम्बोली, इम्बोली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। अभी हमने पढ़ा था इपिबोली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, तो देखते हैं इम्बोली किस टाइप से होती है प्रोसेस। ये प्रोसेस इपिबोली की जस्ट अपोजिट होती है, कैसे होगी, इपिबोली के जस्ट अपोजिट होगी इम्बोली। इसमें इपिथेलियल शीथ सबस्ट्रेटम की तरफ आकर इनफोल्ड और इनवेजिनेट होती है जिसमें सेल का शेप तथा मोडलिटी चेंज हो जाती है। इम्बोली की प्रोसेस में सबस्ट्रेटम की तरफ क्या आएगी, सेल्स आएंगी, पूरी तरह से एक्सपेंड हो जाएंगी और एक इनवेजिनेट पॉइंट पर क्या होंगी, फोल्ड होने लगेंगी, जिससे इनवेजिनेशन क्या होगा, पॉज होगा और जिससे सेल्स की क्या होगी, शेप क्या होगी, जो माइक्रोमेयर से मेगामेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी और उनकी मोटिलिटी जो पहले क्या थी, एक्टोडर्म थी, फिर बाद में किसमें, एंडोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और एक डीप पॉकेट बनाएगी जिसे क्या कहते हैं, अर्जेंट्रॉन कहते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप से क्या होगा, इनवेजिनेशन की क्या होगी, प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब हम देखते हैं आगे, इस प्रोसेस में फॉलोइंग एसेसरी प्रोसेस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इम्बोली जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है उसमें कुछ प्रोसेस होती हैं जो मेन रोल प्ले करती हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में। नंबर एक है, नंबर ए डाल के हेड लिखेंगे हम इनवेजिनेशन। तो देखते हैं क्या होते हैं, इसमें सेल एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इनर साइड मूव होने लगती हैं तथा एक डीप पॉकेट फॉर्म करती हैं, इसकी रिवर्स प्रोसेस इवेजिनेशन कहलाती है। जब एक ब्लास्टुला में इनवेजिनेशन पॉइंट पर जो सेल्स हैं इनर साइड यानी कि अंदर की साइड क्या करने लगेंगी, मूव करने लगेंगी, मूव होने लगेंगी तो एक डीप कंट्रैक्शन करेंगी, ठीक है, यानी कि अंदर के लिए धसती चली जाएंगी, इसके बाद संक होती चली जाएंगी, उससे क्या बनेगा, एक खांच बनकर तैयार होगी, कैविटी बन जाएगी, उसे क्या कहेंगे हम, अर्जेंट्रॉन कहते हैं। इसकी जो इनवेजिनेशन है उसकी रिवर्स प्रोसेस को क्या कहते हैं,
इमेजिनेशन कहते हैं। जब सेल बाहर के लिए क्या करने लगेंगी, होल्ड होने लगेंगी, तो उसको क्या कहेंगे, इमेजिनेशन कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा हेडिंग बी, इन्वोल्यूशन। तो देखते हैं क्या होता है, इसमें सेल्स एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एक्सपेंड होकर वन साइडेड मूवमेंट शो करती हैं, एक साइड की तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगी। इस प्रोसेस में इन्वेजिनेशन पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर मूव करती हैं, जो सेल्स हैं एक साइड के लिए क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, बट जो इन्वेजिनेशन पॉइंट है उससे कुछ डिस्टेंस पर क्या हो जाएंगी, सेल्स मूव हो जाएंगी, जिससे ब्लास्टोपोर लिप की फॉर्मेशन होती है। जैसे आप इस टाइप से देख सकते हैं, पहले ब्लास्टुला होगा, फिर वहां पर एक इन्वेजिनेशन पॉइंट बनेगा, यहाँ पर इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो सेल्स हैं वो मेगामेयर में कन्वर्ट होंगी और फिर मूवमेंट कॉज होने लगेगा। जो अपनी प्राइमरी या प्रिमेटिव या फर्स्ट पोजीशन को छोड़कर सेकंड पोजीशन पर क्या होगी, अरेंज हो जाती हैं, और जो यहाँ से जो सेल्स हैं वो कम्प्लीटली क्या होती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं और एक ब्लास्टोपोर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब हम अगली हेडिंग देखते हैं। अब हमारा हेडिंग है सी, पॉली इन्वेजिनेशन। पॉली मीन्स होता है मैनी या वेरी, इन्वेजिनेशन इनफोल्ड होना, यानी कि एक ब्लास्टुला कई बार क्या होगा, इन्वेजिनेट होगा। तो देखते हैं, इसे इनग्रेशन भी कहते हैं। इसमें सेल रिपीटेड मोर देन वन टाइम इन्वेजिनेशन शो करती है, इसे डेलमिनेशन भी कहते हैं। पॉली इन्वेजिनेशन में जो ब्लास्टुला होगा वो कई बार क्या होगा, इन्वेजिनेट होगा, एक से अधिक बार क्या होगा, इन्वेजिनेट होगा, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन करेगा। अब हमारे जो टाइप थे वो खत्म हुए। अब हमारा नेक्स्ट सेटिंग है केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की मोस्ट एक्टिव फेज है, जिसके दौरान फॉलोइंग केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर एक है, एम्फीबियंस तथा अदर एनिमल्स में गैस्ट्रुलेशन के दौरान एनर्जी की सप्लाई ग्लाइकोजन से होती है, इसीलिए ग्लाइकोजन कंटेंट रिड्यूस्ड हो जाता है। एग है, एम्फीबियंस के जो होते हैं एग होते हैं, उनमें जो ग्लाइकोजन होते हैं उसी से गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में और जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनके लिए क्या होती है, एनर्जी सप्लाई होती है, और वो कंटेंट भी क्या होते हैं, ग्लाइकोजन के रिड्यूस्ड होने लगते हैं। अब सेकेंड है, ब्लास्टोमर्स में प्रेजेंट यॉक ग्रेन्यूल्स ब्रेक डाउन होकर एनर्जी मेटाबॉलिज्म में यूज कर लिए जाते हैं, इसीलिए यॉक कंटेंट भी रिड्यूस्ड हो जाता है। जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, जिनसे जिनकी ब्रेकडाउन से मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो भी क्या होते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि जब रिच फॉर्म में होते हैं फिर क्या होता है, पुअर फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि रिड्यूस्ड हो जाते हैं। और देखते हैं, इस प्रोसेस के दौरान डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस कॉज होती है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब आरएनए की फॉर्मेशन होती है डीएनए स्ट्रैंड से, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब फोर्थ है, इस प्रोसेस के दौरान डीएनए रिप्लिकेशन का स्मॉल अमाउंट फॉर्म होता है तथा न्यू टाइप प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्योंकि प्रोटीन की नीड होती है, तो क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस होगा पहले, जब आरएनए की फॉर्मेशन होती है, जब एमआरएनए डीएनए स्ट्रैंड से क्या होता है, फॉर्म होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये हमारे हो गए केमिकल चेंजेस। अब हमारा हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। अब हमारा हेडिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। तो देखते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। गैस्ट्रुलेशन के टू इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस फॉलोइंग हैं।
नंबर एक है, इसके दौरान यानी कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान ब्लास्टुला की एक्सटर्नल सरफेस पर, आउटर सरफेस पर प्रीसिम्पेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिससे एम्ब्रियो की नॉर्मल पोजीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि ब्लास्टोपोर का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में चेंज हो जाता है और उसकी पोजीशन भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं सेकेंड, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होती है। गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन के लिए क्या होती है, नेसेसरी होती है, क्योंकि एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। जब हम जर्म लेयर सेल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कौन सी जर्म लेयर किस ऑर्गन का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है, वो हम जर्म लेयर सेल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, एक एबनॉर्मल गैस्ट्रुला में ये रिपोर्ट किया गया है कि यदि आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन यदि रिमूव कर दी जाए तब एग एग जो गैस्ट्रुला को फॉर्म करता है, जब उसकी आउटर प्रोटेक्ट कवरिंग को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो जो इनफोल्डिंग की जगह क्या होगा, इसमें इवेजिनेशन होने लगेगा, यानी कि एग जो गैस्ट्रुला को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। आगे देखते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम एराइज नहीं हो पाता और ना ही न्यूरल प्लेट एनी सेंसरी स्ट्रक्चर एराइज नहीं होते, जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं नर्वस सिस्टम हो क्या नहीं होते, एराइज नहीं होते, नहीं बनते हैं। तो आगे देखते हैं, जिसे इस प्रोसेस यानी कि गैस्ट्रुलेशन के द्वारा प्री डिटरमाइन यानी कि पहले ही डिटरमाइन किया जा सकता है। ये हमारा गैस्ट्रुलेशन का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन आ जाए। और हम मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।